भाई अभी अभी गाड़ी ठोक दी भाई, बस वाले ने गाड़ी ठोक दी है। देखो अभी अभी मेन गेट कुल्लू दशहरे का, और यहाँ से करते हैं एंट्री अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरा। देखो भाई पेंटिंग वगैरह होगी, मतलब हर किस्म की चीज, मसाले, मतलब दिल्ली लुधियाना पंजाब मतलब हिमाचल हर जगह का आइटम मिल जाएगा आपको यहाँ पे। निवेदन है उपायुक्त महोदय से कि वे आज के मुख्य अतिथि महोदय को स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित करने की। हेलो गुड आफ्टरनून दोस्तों। सो दोस्तों एक नए ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। दोस्तों लास्ट वीडियो में जैसा कि आपने देखा होगा हम जा रहे थे बरोट से कुल्लू की तरफ, कुल्लू शहरा मेला इंजॉय करने जा रहे थे। और भाई लास्ट वीडियो में आपने देख लिया होगा जब हम हाईवे पे पहुंचे, उसके बाद अभी प्रेजेंटली हम है कंडी कटोला वाला, जो मंडी से जो कुल्लू की तरफ जाता था, जो रास्ता जब सब हाईवे बंद हो गए थे तो सिर्फ इसी रास्ते ने लाइफ लाइन बचाई थी कुल्लू की। और हम है खूबसूरत से नज़ारे पर आपको दिखाते हैं। ये देखिए भाई कुछ ऐसा है खूबसूरत नज़ारा। और ये जगह है आईआईटी मंडी के पास में, और ये रोड जा रहा है नीचे, और ये नीचे है रिवर, आपको रिवर भी दिखा देता हूँ। बट यहाँ से बहुत गहरी है, ज़्यादा क्लियर तो नहीं दिखेगी, बट ये देखिए व्यू एक नंबर का है भाई। और निकलते हैं, ये अपनी गाड़ी है, जिसको नहीं पता उनको बता देते हैं। हम करते हैं कार कैंपिंग, ये ऊपर है हमारा कैंप, और कैंप हमने लिया हुआ नोमैड एडवेंचर से अभी। और नीचे है हमारी किचन, हमारा सोने वगैरह का सारा खाने का अरेंजमेंट वगैरह गाड़ी में ही होता है। तो चलो चलते हैं और करते हैं आज के दिन की शुरुआत, और आपको दिखाते हैं कुछ खूबसूरत नज़ारे रास्ते के और कुल्लू दशहरा जो पूरे वर्ल्ड में वर्ल्ड फेमस है, बहुत सारे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी उसका नाम है, और बहुत बड़ा फेस्टिवल होता है, बहुत मतलब इंटरनेशनल लेवल पे कई देश पार्टिसिपेट करते हैं। आई थिंक अब की बार भी 16 या 18 देश पार्टिसिपेट करें, वो हमें जाके ही पता चलेगा। तो वो हम जाएंगे और वहाँ जाके ही पता करेंगे और फिर आपको बता पाएंगे एग्जैक्टली। तो चलो चलते हैं और निकलते हैं भाई। ये रोड इतना ढलानदार है कि अच्छी अच्छी गाड़ियाँ भाई सांस फूल जाते हैं गाड़ियों के। और ये है भाई आईआईटी मंडी, वैसे एरिया तो कमांड है पर ये मंडी में ही लगती है आईआईटी। ये देखो सामने आ गई रिवर सुंदर सी, अगर भाई ये रिवर सुंदर सी तो है ना तब लगती है जब ये शांत होके बहती है, जब इसे गुस्सा आता रुद्र रूप लेती है तब तो भाई ये सब कुछ ही दिखने लग जाती है। खूबसूरत लोकेशनों से निकल रहे हैं रास्ता। अब तो इस पे ट्रैफिक तो देखो होता नहीं, उस टाइम तो फिर भी थोड़ा बहुत ट्रैफिक था। रास्ता ऐसे कहीं डबल है कहीं सिंगल है, पर इतना बड़ा कोई इशू है नहीं भाई। तो बड़ी आसानी से हम लगभग यहाँ से हमें पड़ेगा, तो भाई यहाँ से हमें कुल्लू पहुँचना पड़ेगा अप्रोक्सीमेटली आई थिंक पड़ता है 62 किलोमीटर के आसपास, और हमें लगेंगे लगभग 1 घंटा और 45 मिनट के आसपास हम वहाँ पहुँच जाएंगे कुल्लू में। तो कोई लंबी जर्नी होनी नहीं है, आज सिर्फ 4 घंटे 4.5 घंटे की जर्नी थी, आधी से ज़्यादा हम कर चुके हैं और आधी बची हुई है वो भी हो जाएगी इजीली। हम अंधेरा होने से पहले मेले में पहुंच चुके हैं कुल्लू दशहरे में, और फिर शाम का आनंद दिखाते हैं आपको कुल्लू दशहरे का, क्योंकि दिन का तो जो होगा वो कल दिखा देंगे हम। जो शाम का मज़ा है ना, हल्की हल्की ठंड हो चुकी होगी, बढ़िया और मज़ेदार हो जाएगा भाई। भाई अभी अभी गाड़ी ठोक दी भाई, बस वाले ने गाड़ी ठोक दी है। देखो अभी अभी मोड़ रहा था और बिल्कुल बस वाले की गलती 100%, और कुछ नहीं कर सकता बेचारा गाड़ी वाला, 100% उसकी गलती है बस वाले की, और मानेगा नहीं भाई बस वाला गलती, क्योंकि सरकारी है ना, तब गलती 100% आपने देख लिया बस वाले की है, और भाई वो सरकारी है वो मानेगा ही नहीं। वो बेचारा टैक्सी वाला है ना, कुछ भी कर ले उसे कुछ नहीं मिलना, वो चाहे पुलिस बुला ले या कुछ भी कर ले, क्योंकि वो गवर्नमेंट बसेस वालों का है भाई यही रवैया है हिमाचल में, तो खासकर मुझे बाकी जगह का तो नहीं पता बट हिमाचल में यही है भाई। वो समझते हैं ये रोड हमारा है, ये मतलब स्टेट हमारा है, हमारे अलावा किसी को रोड पे चलने का अधिकार ही नहीं है,
पहले हम चलेंगे उसके बाद कोई चलेगा। देखो भाई ऊपर कितना छोटा सा शानदार मंदिर बना हुआ है, अब तो नहीं दिख रहा, छोटा ही है। यहाँ से जो राइट रास्ता जा रहा है ये है प्रासर लेक के लिए, यहाँ से 23 किलोमीटर पड़ता है, 23 किलोमीटर प्रासर लेक और 43 किलोमीटर कुल्लू रह गया है हमारा, तो हम चले गए कुल्लू की तरफ। और ये जो रास्ता है ये चला गया प्रासर की तरफ, ये सीधा ऊपर इसी वो जो आगे दिख रहा है वहां से होते हुए और बिल्कुल इसके टॉप से होते हुए आगे निकल जाना है इसके दूसरी साइड में, हरिवर की दूसरी साइड, मतलब जो ये पहाड़ है ना इसके दूसरी साइड में है प्रासर, बिल्कुल टॉप में वो जो टावर्स दिख रहे हैं ना उनसे आगे। टाइम तो ऐसा स्लाइड नहीं था, ये तो कोई नया ही स्लाइड है जो अभी आया है, पता नहीं क्या हुआ इसको। और काफी बड़ा स्लाइड था, पीछे से दूर तक था। यहाँ रुके हुए थे जंगल में एक छोटे से ब्रेक के लिए, क्योंकि यार बॉडी स्ट्रेच करनी बहुत जरूरी भाई, बिल्कुल ऐसी अकड़ जाती है बैठे बैठे, थोड़ी सी खुल जाएगी स्ट्रेच हो जाएगी तो भाई अच्छा हो जाएगा, नहीं तो फिर रात को तंग करती है फिर दुखते हैं हाथ पैर। और भाई अभी तो घूमना है जाके वहाँ पे, तो बॉडी को थोड़ा रिलैक्स ही रहने दे तो बढ़िया है, नहीं तो दिक्कत आती है। चलो चलते हैं, हमें हो गई थी 5-10 मिनट तो अभी निकलते हैं यहाँ से। तो ये देखो भाई ये आ गया कुल्लू साइड, अब ये जो सामने दिख रहा है ये सारे कुल्लू की वैली है, भुंतर वगैरह बजोरा की एरिया है ये तो सारा, पर आगे आ जाएगा फिर भुंतर। फाइनली हम पहुंच चुके हैं बजोरा, और बजोरा से मिल जाएगा हमें मेन हाईवे जो मंडी मनाली वाला है, मंडी कुल्लू लगा लो मंडी मनाली लगा लो वो सेम ही हाईवे है, तो वहाँ मिल जाएगा। और मेन हाईवे पे आपको पता है फिर इधर से पड़ता लगभग 10-12 किलोमीटर, तो हार्डली 10 से 15 मिनट लगेंगे, तो हम बिल्कुल परफेक्ट टाइम पे पहुंचेंगे शाम को, वहाँ पे अंधेरा होने वाला है बस। भाई हम पहुंच चुके हैं अपने मेन हाईवे पे, और यहाँ भाई अब तो देखो ट्रैफिक इस टाइम तो होता नहीं, देखो इस टाइम तो ट्रैफिक है नहीं, बट दिन में तो भाई हो ही जाता। और आज अभी जैसे कुल्लू पहुंचेंगे तो वहां तो भाई भगदौड़ मची मिलेगी, अभी तो हम भुंतर भी नहीं पहुंचे, भुंतर से थोड़ा सा पहले है, पर भाई इस टाइम जो व्यू आता है ना वो जबरदस्त है, पर आगे से लाइट पड़ने लग जाती है। कुल्लू तो भाई एज इट इज लग रहा है, बस मेला ही डिफरेंट है कुल्लू का। तो ये देखो भाई कहाँ कहाँ तक, कितनी दूर पर हाइट तक, मतलब यहाँ गांव बहुत हाइट तक है भाई, बहुत हाइट तक कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में, तो मैंने देखा जहाँ मर्जी कितनी हाइट हो गांव जरूर मिलेगा। भाई सामने से मेला तो दिखना शुरू हो गया है, वो देखो इनर घूम रहा है ना, जो सामने लाइटें दिख रही है बस, अब इतना दिख नहीं रहा, अंदर जाके ही दिखाते हैं अब तो। वो देखो दिख रहा है, अब दिख रहा होगा शायद स्पिनर घूमता हुआ, वो बड़े वाला झूला जो है, बाकी तो सारे नीचे ही हैं, तो वो दिखाते हैं आपको चल के। भाई फाइनली ये भूतनाथ पुल है, ये भी रेडी हो गया है भाई, इसने बहुत बहुत परेशान किया लोगों को, मतलब ये मान लीजिए नया बना था, बनते ही इसमें प्रॉब्लम आ गई थी और उसके बाद ये बंद ही पड़ा रहा, अब जाके ये दोबारा स्टार्ट हुआ है। और ये शायद मेले का ही लगा दिया भाई गेट वगैरह, क्योंकि इसका मेन गेट तो है नहीं कुछ, तो मेले का ही लगा दिया इसमें। पर ये कह रहे हैं अब की बार पार्किंग देखो काफी बड़ी बना दी, तो ये बहुत अच्छा काम किया है मेले के लिए, पहले नहीं होती थी, पहले रोड पे ही लगाते थे, यहाँ छोटी मोटी पार्किंग थी, पर अब वो कह रहे हैं परफेक्ट बना रखी, 1000-1200-1500 गाड़ियां लग जाती है आराम से। मेले के पास तो पहुंच गए, ये है देखो देवता, इनके ऐसे देवता के स्थान बनाए हुए हैं सभी देवताओं के, क्योंकि बहुत दूर दूर से देवता आते हैं, वो आपको दिखाऊंगा आप मैं अंदर चल के मेले में। भाई इधर तो शॉपिंग वाला एरिया है, ये है इधर देवताओं वाला एरिया, अभी शाम हो गई ना, इनको डिस्टर्ब करते नहीं, इधर देखो ये देखो इससे शुरू हो जाती है लोकल शॉपिंग, जो चीप होता है ना चीप प्राइस शॉप्स वो हैं, आगे जाओगे तो आगे मिल जाएंगे फिर डोम्स वगैरह, ये तो बिल्कुल मैन वैसे बाहर है, बाहर वाई है तो ये तो कोई खास है नहीं, पर ये साइड में थी तो मैंने कहा थोड़ा सा मैं घुस जाता हूँ घूम के आता हूँ। और भाई जितने भी हम होटल वाले थे ना पहले, कंबल रजाई वगैरह सारे यहीं से लेते थे भाई, आज वो भी कम है भीड़ वगैरह भी, क्योंकि कल बहुत ज़्यादा, कल दशहरा था और आज स्टार नाइट तो है नहीं, तो इसलिए कोई बड़ा फंक्शन तो है नहीं,
अभी देखता है। देखो अभी ऐसे ही प्रोग्राम वगैरह चल रहे हैं, कई लोग एंजॉय कर रहे हैं, देखता हूँ। मेन गेट कुल्लू दशहरे का और यहाँ से करते हैं एंट्री, अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरा इंटरनेशनल। और ये देखो यहाँ पे बनाए हुए हैं ऐसे इस तरीके से डोम, मतलब छोटे छोटे डोम बनाए हुए, दुकानें दी हुई हैं, सब रेंट्स पे होती है। ये मेरे ख्याल से शायद 20-25 दिन के लिए होती है, बट मेन जो दशहरा है वो होता है एक वीक के लिए। यहाँ पे होता है हर परीके। अब भी तो देखो बिल्कुल बिल्कुल भीड़ कम है, मैं इसीलिए आया, नहीं तो भाई जब ज़्यादा भीड़ होती है ना, कल दिन में देखना आप, मतलब पैर रखने की जगह नहीं होती भाई, पैर रखने की। और वैसे भी अभी है ना फंक्शन चल रहा है, वहाँ प्रोग्राम चला होता है तो लोग वहाँ बिजी होते हैं, तो बहुत बहुत लोग आते हैं भाई। अभी तो हम घुसे भी नहीं मैन मेले में, तो यहाँ ठंड तो हो रखी है, देखो जैकेट डाली हुई है फिर भी, और मैं तो अभी चल के आया हूँ तो वैसे भी पसीना हो रखा है। आ जाता है फूड वगैरह और काफ़ी स्टॉल है, बहुत बहुत बड़ा है, मतलब मैं आपको दिखाता हूँ लगभग इसको पूरा देखने में तो हमें 2 दिन लग जाएंगे। तो मेन मेन पार्ट मैं एक पार्ट आज दिखा देता हूँ, एक कल दिखा दूंगा आपको। तो ये देखो भाई हर किस्म की दुकान होती है, हर किस्म की। और पता नहीं लास्ट ईयर में तो यहाँ मिठाइयों की दुकानें बहुत होती थी, अब की बार शायद उनको अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, तो हो सकता है अभी तो, क्योंकि देवता भी कोई मूव नहीं कर रहा, सब एक ही जगह पे है। देखो भाई पेंटिंग वगैरह होगी, मतलब हर किस्म की चीज़, मसाले, मतलब दिल्ली लुधियाना पंजाब मतलब हिमाचल हर जगह का आइटम मिल जाएगा आपको यहाँ पे। और वो सामने है कला केंद्र, वहाँ पे अभी कोई ना कोई फंक्शन चला हुआ होगा, और जिस हिसाब से लोग दिख रहे हैं मुझे नहीं लगता इतनी भीड़ भी होगी, कि नहीं तो पहले तो घुसा ही नहीं जाता था, उसने से पहले ही निकल जाते थे। तो वो देखो सामने फंक्शन चल रहा है, बट शायद एंट्रियाँ नहीं है अभी, तो देखते हैं अभी। ये है सामने कला केंद्र, तो देखते हैं, हो सकता आज नहीं हो तो कल करते हैं। यहाँ पे भी आज तो खाली पड़ा हुआ बीच में कुछ, मेरे को लग रहा है तो यहाँ तो जगह ही नहीं होती थी अलग ही। अब की बार कुछ भीड़ मेरे को कम ही लग रही, पता नहीं क्या कारण हुआ। बोला घोड़ियों के लिटी बिलड़े बना बोला बोला लख दे लख दे जोरदार तालियां आज के इस संध्या। निवेदन है माननीय सीपीआर श्री सुंदर सिंह ठाकुर जी, निवेदन है उपायुक्त महोदय से कि वे आज के मुख्य अतिथि महोदय को स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित करने के लिए। जो हमारी आयोजन समिति है उसके अथक प्रयासों से एक स्मारिका का यहाँ तैयार की गई है।
होगी, जब मर्जी आ सकते, इनका राज है। था अपना यहाँ का कल्चर प्रोग्राम, और बाकी जो बाहर का है वो मैं आपको दिखाई देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे अभी भीड़ वगैरह नहीं थी और इतना कोई रश भी नहीं रात को, तो आप देख सकते हो। नेक्स्ट में कल दिखाएंगे आपको दिन में। तो इसी रास्ते से बाकी जो झूले वगैरह हैं वो हैं, ये देखो मैं अभी यहीं से दिखा देता हूँ आपको। जो खाने वगैरह का है वो इधर है, ये देखो, और उधर लगे हुए झूले, वो आपको दिखाऊंगा मैं कल सारा। ये सारा दिखा देते हैं, और मैं जो सबसे बड़े देवता का पंडाल बना हुआ है ना, वो है ये वाला, ये मैं आपको दिखा देता हूँ, इसके बाद ही सबका होता है। ये किसका है, ये देखो, जैसे ये है देव नारायण का, ऐसे ऐसे अलग अलग सबके नाम होते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। और जो सबसे मेन होते हैं वो हैं ये, दिक्कत तो नहीं है, मतलब जूते वगैरह निकाल के जा सकते हो आप, वो कल आराम से जाएंगे। जो सबसे हमारे मेन देवता है वो ये, और ये देखो भाई इधर क्या हुआ है, कुछ भीड़ वगैरह है, पता नहीं क्या हुआ है, कोई देवता के आसपास, ये सारे देवता का एरिया है, क्या भसड़ हुई है देखो, पता नहीं क्यों इकट्ठे हो रखे भाई, नहीं पता अभी। तो ये है सारा देवताओं का स्थान, देवता है ये नाग देवता, जो अभी वहां पे गए हुए थे ना अंदर, वही हैं, वो अपने स्थान पे जा रहे हैं। भीड़ कम होती जा रही है, एक वो भी काफी है जमलू देवता, वो उनका उधर है बड़ा पंडाल, जिनके भी है ना वो देख लो, ये देखो हर जगह जहाँ भी आप देखोगे देवता के वो लगे हुए हैं। ये देखो ये आगे फिर शॉपिंग का एरिया सारा, मार्केट वगैरह, ये ऐसी तो मतलब कई अलग अलग तरह की है, मीडियम रेंज, लो रेंज और हाई रेंज। वो जो हाई रेंज है वो पीछे है डोम्स में, तो वो भी दिखाएंगे, वो शायद डोम्स अब की बार ऊपर लगाए हुए, क्योंकि हर बार इनकी लोकेशन चेंज हो जाती है भाई। ये देखो इधर घूमते घूमते आ गए हम मेन वाले उस पर, जो मेन गेट था ना, और ये देखो ये जहाँ पे हम बैठ के देख रहे थे ये वो एरिया था, ये स्क्रीन्स लगी हुई जगह जगह, और ये आ गए हम वापस मेन गेट पे। तो यहीं पे अपने देखते हैं अभी, तो आज तो करते हैं इसको बाय यहाँ से, और अब मिलेंगे कल, कल दिखाते हैं आपको पूरा दिन में, क्योंकि दिन में आपको अच्छा रहेगा, क्योंकि रात को इतना दिखता भी नहीं है, थोड़ा सा कम रहता है सिस्टम, तो दिक्कत देता है। अभी निकल जाते हैं भाई फटाफट ना, चल पड़े हैं पार्किंग की तरफ। अब की बार में सीढ़ियों से नहीं आया, एक दो हमारे फ्रेंड थे उन्होंने गाड़ी में छोड़ दिया, बस अभी ये सामने से गाड़ी लूँगा और फिर निकल जाएंगे होटल की तरफ। और ये भाई नीचे देखो रिवर बह रही है छोटी सी, और गाड़ी लगी हुई अपनी वहाँ पे सामने, और कुल्लू देखो भाई क्या जगमगा रहा है भाई। पार्किंग में भी अब की बार बड़ा वेल ऑर्गेनाइज था मेला, और वो अपनी गाड़ी लगी हुई है पीछे बिल्कुल, वहाँ से घूम के लाना पड़ेगा भाई, कहाँ गई अपनी वो खड़ी हुई। तो भाई ये था कुछ अंश कुल्लू दशहरे के, आपने थोड़ा सा म्यूज़िक का पार्ट देखा होगा, थोड़ी सी शॉप्स देखी हैं, और कुछ रेस्टोरेंट्स वगैरह देखे। पर कल दिन में जो नेक्स्ट वीडियो आएगी ना उसमें दिखाऊंगा मैं आपको A to Z, वो जो भी है ना कुल्लू में, जो मतलब कल दिखाऊंगा आपको कुल्लू में जो भी A to Z दशहरे में है, वो चाहे झूले हैं, चाहे बड़े शॉपिंग कॉम्प्लेक्स हैं, या फिर फूड के वो हैं, वो सब हम देख पाएंगे कल। सो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी, और आप फ्यूचर में किस टाइप की वीडियो देखना चाहते हो वो आप अपने कमेंट्स में कर सकते हो, और लाइक एंड शेयर किया करो भाई, आपके लिए बहुत मेहनत करते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ इस वीडियो करते हैं, और आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो बाय बाय।